जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी का दिल से शुक्रिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक घटना, एक से कई सारी घटनाएं आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब जब ये घटनाएं हमारे जीवन में होती है, तब तब हम एक बदलाव की ओर जा सकते हैं। दूसरी बात है कि ये घटनाएँ जो हैं, आप वाली घटनाएँ मत समझिएगा जो अकस्मात हो जाती है, एकदम से हो जाती है। ये घटनाएं हम स्वयं को अपने जीवन में करना होती है। अगर आप इन घटनाओं को अपने जीवन में करेंगे और मेरी इन बातों को अपनाएंगे, जब जब ये घटनाएं आपके साथ होगी, आपके जीवन में एक सकारात्मक बड़ा बदलाव आएगा। वो बदलाव कौन कौन से आएंगे, वो घटनाएँ हमें कौन कौन सी करनी है और उन्हें किस तरह से हमें सही तरीके से फॉलो करना है, इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। आप पूरी कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, ताकि दोस्तों आपको ये जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर एंड रेयर जानकारी है। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर इस वीडियो के अंत तक हो जाएगी। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में लिखें आप ओम नमः शिवाय, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पूरा देखने के बाद अच्छा। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी चल रही है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो हम आते हैं मुद्दे पर कि मैं वो कौन सी घटनाएँ हमारे जीवन में करने के लिए कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, होता यह है कि हम एक रूटीन का लाइफ जीते रहते हैं। चाहे आपकी उम्र 18 बरस हो, आपकी उम्र 25 बरस हो, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, अगर आप एक युवा हैं तो अपने करियर के तरफ फोकस करते हैं। हम कई सारी तैयारी, कई सारे प्रयास करते हैं पर हमें हमारे मन मुताबिक सफलताएं नहीं मिलती। चाहे नौकरी हो, पैसा हो, रोज़गार हो, या आप खेती भी करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें फॉलो झेलना पड़ती है। तो 8 घटनाएं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसमें सबसे पहली और मुख्य घटनाएं हैं वो है दोस्तों, समय का सदुपयोग। अब यहाँ से बातों को बहुत गंभीरता से समझना। हमारे जीवन में होता यह है कि आप पूरे रूटीन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ, नौकरी पेशे के जो हैं वो सही हैं, लेकिन बहुत सारे युवा हुए, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक घटना आप स्वयं करें, हर एक समय, हर एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती है, समय का सदुपयोग करें। अब आप कहेंगे समय का सदुपयोग कैसे करें? जो हमारे रूटीन के कार्य है वो निपटाएं, इसके अलावा अतिरिक्त जो भी समय है उसमें कुछ भी अतिरिक्त करिकुलम करें। अतिरिक्त करिकुलम के लिए जो भी आपका शौक हो, जो भी आप करना चाहते हैं वो सीखें, उस पर वक्त दें, क्योंकि जो भी चीज़ हम सीखते हैं उसके लिए हमें वक्त देना पड़ता है। बिना वक्त दिए आप सोचो कि चीज़ें हो जाए, ये संभव नहीं है दोस्तों। तो पहली और मुख्य घटना जो आपको करना है, अपने समय को आज ही एक कागज़ पर लिख ले और उसका रूटीन सही कर ले। सोने, खाने और यहाँ तक कि पूरा रूटीन आप अपना फिक्स कर लें, ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगा। खासकर महिलाएँ जो घर में रहती है वो खुद को बड़ा बोझिल और बोर समझती है, ये गलत है। आपके पास बहुत सारा वक्त है, आप पढ़े, अध्ययन करें, नई नई चीज़ें सीखें। क्योंकि मुझे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत से कमेंट्स इस विषय को लेकर हमेशा मिलते रहते हैं। दूसरी घटना जो आपको अपने जीवन में करना चाहिए वो है बचत। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, आपको बचत की एक अच्छी आदत डालना चाहिए। अब बचत की अच्छी आदत कैसे हम डालेंगे? उसका सबसे आसान तरीका है, हम हमारे फिजूल खर्चों को जितना हो सके उतना खत्म कर दें। बहुत से ऐसे फिजूल खर्चे जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी तो आवश्यकता ही नहीं थी, हमने बेजबरन ले लिया इसको, तो ऐसे बहुत सारी खर्चे हैं, उनको आप ऑब्जर्व कर लें और उनको अपने जीवन से ख़त्म कर दें, क्योंकि बचत ही आज के युग का सबसे बड़ा हथियार है। आपके पास बचत है, पैसों का आप सेविंग करते हैं, तो आपको आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। तीसरी बात है वो है कर्ज। न कर्ज ले और न ही कर्ज दे। सॉरी, इसमें एक बात मैं यहाँ ऐड कर देना चाहता हूँ कि कर्ज देने में अगर कोई हमारे खास हैं और उनको वास्तविकता में ज़रूरत है, मदद ज़रूर करें, मैं मदद के लिए कभी किसी को नहीं। लेकिन कई बार मैंने ये आमतौर पर देखा है कि आप बहुत आसानी से किसी को यदि पैसे दे देते हैं तो वो लोग बार बार आप
कि उस अच्छाई का फ़ायदा उठाते कि ये काम है, वो करना है, ये करना है, और आप दो चार बार देने के बाद चौथी बार में आपको नहीं कहना ही पड़ता है कि नहीं मेरे पास नहीं है, और उससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। ये बहुत मोटे मोटी तौर पर ये बात उभर कर भा रही है। इसलिए कोशिश ये करें कि कभी भी ये नौबत अपने जीवन में आए तो पहले ऑब्जर्व कर ले कि रियल में इसको नीड है या नहीं, या केवल ये हमारा उपयोग कर रहा है। देखिए, जहाँ रिश्ते हैं, खास रिश्ते वहाँ तो देना ही पड़ता है, पर बहुत बार ऐसे कई सारे लोग हमें जीवन में मिलते हैं और आपका स्वभाव बड़ा सरल है, सहज है, आप बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इस विषय को लेकर आप सजग हमें रहना है। इसके अलावा दोस्तों कहूँ मैं, नशा जीवन का नाश है, जो मैं हमेशा अपने आपको कहता भी हूँ कि कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी जीवन में दिन हो, लेकिन नशा नहीं करेंगे, नशे से दूरी बना के रखेंगे। और नशा जीवन का नाश इसलिए भी है कि उससे हमारा धन का भी हानि होता है, हमारे पारिवारिक और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज़ कोई भी नशे को अपने जीवन से बाहर रखें, क्योंकि नशा जीवन का नाश है। अब हम अगली बात पर बात करते हैं कि अपने जीवन में हमेशा बदलाव लाए, ये घटना हमेशा करें, कुछ ना कुछ बदलाव करते रहें, नवाचार करते रहें, नयापन करते रहें, अपने अंदर का जो क्रिएटर है उसको हमेशा जीवित रखें, नई नई कलात्मक चीज़ें करते रहें, वो हमें अच्छी लगती है और जीवन में वो हमेशा सकारात्मक घुलती है। एक घटना और आपको अपने जीवन में करना चाहिए, वो है आपका नेगेटिव, जो जितनी भी चीज़ें नेगेटिव हुई है भविष्य बीते हुए दिनों में, उनको भूल कर हमें अब सकारात्मकता की ओर जाना चाहिए और उन घटनाओं से हमें सीख लेना चाहिए, न कि उन घटनाओं का मानसिक रूप से इतना दबाव खुद पर रखें कि वो फिर से दोहराई जाएगी। जो हो गया सो हो गया, वो फिर से जीवन में वो घटनाएं नहीं दोहराई जाएगी, ये हमेशा आपको समझा लें। बहुत से जातकों को देखा है कि जो पुरानी घटनाओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कि उन्हें डर होता है कि कहीं फिर से ये ना हो जाए, तो इस बात को भी अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। अगली बात करें हम, सीखना बंद मत करिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा, जीतते रहिएगा, माइंड सेटअप अपना हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, और कभी भी एक मन में अज्ञात डर, जो भय हम पाल कर रखते हैं, उसे निकाल दें, क्योंकि उससे आप वर्तमान को सही से नहीं जी पाएंगे। और मनुष्य के पास केवल वर्तमान है, न भविष्य उसके हाथ में, न भूत उसके हाथ में, वो भविष्य भी वर्तमान में बदलेगा और भूत जो गया है वो तो भूत हो ही गया है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि इस वर्तमान में हम अच्छे से जिए। अगली घटना जो अपने जीवन में आपको करना चाहिए, जिसमें बड़ी बड़ी घटना जिसे मैं कहता हूँ, वो है ईश्वर जप, ईश्वर का स्मरण, और ये जप कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब बंद होने का कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी काम करो आप जीवन में, जो चीज़ करना चाहो वो करते रहो, लेकिन अपने ईश्वर का जप कंटिन्यू करते रहे। वो सत्ता है, वो कृपा है, और उसकी कृपा के बिना मुझे नहीं लगता कि कुछ भी यहाँ संभव है, पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए जितना हो सके आप उसका नाम लें, स्मरण करें और हमेशा उसका जप करते रहें। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।